आपण थेट जातोय नवी दिल्लीमध्ये. सध्या राजघाटावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पोहोचलेले आहेत. जब आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, महात्मा गांधी यांना अभिवादन करण्यासाठी बेहद विशेष हो जाती है. पंतप्रधान मोदी राजघाटावर आलेले मनाई जा रही है. देश के दो महान विभूतियों की जयंती पर आज राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है. महात्मा गांधी से सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया प्रेरणा पाती है और देश को विकास के पथ पर प्रशस्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे प्रेरणा पाते हैं. और ऐसे में उनके तमाम विचारों को, उनके तमाम दर्शन को उन्होंने नए रूप में प्रतिपादित किया है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो स्वावलंबन की बात हो, स्वदेशी जिसको लोकल फॉर वोकल कहते हैं, चाहे वो अस्पृश्यता छुआछूत की बात हो, तो प्रधानमंत्री उसको सबका साथ सबका विकास के तौर पर लेकर चले हैं. नारी सशक्तिकरण को प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तौर पर आगे लेकर चले हैं. तो कुल मिलाकर उन्हीं विचारों को प्रतिपादित किया है, नए रूप में उसको रखा है और नए भारत के निर्माण में, नव निर्माण में जिस शक्ति की जरूरत है, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रेरणा हम महात्मा गांधी से पा रहे हैं और उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजघाट पर शत शत नमन अभिनंदन कर रहे हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धान्वत हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उस राष्ट्रपिता को जिनसे प्रधानमंत्री स्वयं प्रेरित हैं और उनके दिखाए मार्ग पर न सिर्फ चल रहे हैं, राष्ट्र को भी उस राह पर ले चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजघाटावर दाखल झालेत आणि महात्मा गांधींना त्यांच्या स्मृतींना आदरांजली अर्पण करून गांधी की इस जयंती पर राजघाट पर और प्रधानमंत्री ने निघालेले आहेत. सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है इस अवसर पर. महात्मा के जो विचार, विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या कार्यक्रमांना पंतप्रधान मोदी उपस्थिती लावतील. सत्य के थे, विश्व बंधुत्व के थे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो भी थे. तो गांधी जी के विचारों से विश्व के करोड़ों करोड़ लोग, कोटि कोटि लोग प्रभावित हैं और ऐसे में भारत उन विचारों का, उस दर्शन का जनक है जिसको हम अहिंसा के नाम से जानते हैं, जिसको छत्रपतींचा विचार म्हणजे